से रोए जा रही है, रोए जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि सब एक में होगा, तसल्ली रख एक में होगा। जो बैक ऑफ द लाइन लोगों को नहीं पता, मतलब हुसैन का बहुत बेहतरीन दिमाग है गेम में। उसने हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें जाकर। अच्छा, इतने सारे लोग देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ जाएं जाकर मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और हमारे लिए बहुत सारी आप लोगों को हमें दुआएं देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, क्योंकि माशाल्लाह कल भी हमने बहुत अच्छा खेला इंस्टाग्रामर्स के साथ, हम लोग जीत गए, जबकि हमारे 2 पॉइंट्स थे और इंस्टाग्रामर्स के 10 पॉइंट्स थे और हमने इतना अच्छा बैकआउट किया। खैर, हम लोग अपने 2 पॉइंट से हम लोग 22 पॉइंट पे आए और इंस्टाग्रामर्स गेम चेंजर से पहले 17 पॉइंट पे थे। तो मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया क्योंकि आप लोगों की दुआएं हमारे साथ थी। आज का एलिमिनेटर है टिकटॉकर्स वीएस चैंपियंस। आई होप कि ये व्लॉग जब तक डलेगा, जब तक आप लोगों को पता लग ही जाएगा कि आज की विनिंग टीम कौन थी। सो गाइस, अगर इंशाल्लाह हम अपनी जान लगा देंगे, अगर हम जीत जाते तो हमें फिनाले में आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें कि हम लोग जीत जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि चैंपियंस को जीतना, चैंपियंस हारगा, चैंपियंस के फैंस चैंपियंस से नाराज़ होगा, मुझे पता है। तो गाइस, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें, थैंक यू सो मच। प्रणाम, आपको क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? मुझे चुप कर दो, मुझसे तो जीतने हारने की बात भी करेगी। कोई भी जीत सकते, कुछ नहीं लग रहा। मैं बहुत प्यारी आ रही, दिखाऊं यार? मैं तो बगैर मेकअप की बहुत प्यारी लग रही हूँ। बहुत प्यारे हैं, बहुत लग रहे हैं। दीपिका, आज आपकी तैयारी कैसी है? इससे पूछ लो यार, रबीका की बहुत अच्छी तैयारी है। इंशाल्लाह रबीका हर गेम में अपना 100% देगी और बहुत अच्छा खेलेगी। और कश्यप भी अच्छा खेलेगी, क्योंकि कश्यप भी अच्छा खेलती है, रबीका भी अच्छी खेलती है, और वहाँ के भी दोनों लड़के अच्छे खेलते हैं, यहाँ के भी दोनों लड़के अच्छे खेलते हैं। देखते हैं क्या होता है, जो जीतनी वो जीत जाएगा। मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, मैंने अकेली ने इतनी बकवास की, मेरी कोई इज्जत नहीं है कश्यप के। कैसी तैयारी कल की आपको? वैसे भी कल हमारे साथ ही खेलना है मैच। आपके लिए ना भाई, मेरी बहन भाई है ना? अरे मेरी तेरी बहन, मेरे लिए बताइए। BTS चल रहे हैं और दानिश भाई अभी वहाँ से निकलते हुए आएंगे। दानिश भाई आ गए, अब सिंगिंग करेंगे। हेलो अदीब,
पर सो गाइस ये रही मेरी जारू जारू क्या क्या मूली पाली मैं कहती हूँ अभी हमें हमने कमेंट पढ़ा एहसन से भाईजान का कमेंट आया था भाईजान आपके मुंह पे 100 तोपों की लानत ठीक है जो आपने कमेंट किया आपको शर्म आनी चाहिए थी आपको नहीं पता कि हमारे बीच में क्या है हमारी कैसी दोस्ती है हम आपस में क्या लगते आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन आपने अपनी पूरी पूरी जो है ना वो जो भड़ास है ना जो आपको घर में जूते पड़ते और गालियाँ पड़ती ना वो आपने कमेंट्स में आकर निकाल दी तो बराए मेहरबानी हमारी दोस्ती से दूर रहें और हमें अपनी गंदी नज़रों की बलि मत चढ़ाएं गाइस आप लोग और समझे इतनी ऐसी बातें पकड़ फोन पकड़ ऐसी सोचे समझे पकड़ ऐसी बातें क्यों बोलते हैं मुझे तो यही समझ हम लोग लास्ट टाइम जब एलिमिनेटर खेल रहे थे जब हम लोग हारे थे मैं नहीं रोई थी जिस दिन चैंपियंस हारे थे मैं रोई थी ये चीज़ एक मतलब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी कक्षा से अटैचमेंट या मेरी इनकी तरफ सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इसी तरह मेरी रबीका की तरफ भी है कश्यप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खेल सकती है कश्यप थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल कर सकती है रबीका बहुत नाजुक है जब तुम्हें खुद पता है तो मैं इसलिए उसको ज़्यादा जाके पुश कर रही हूँ कि रबीका टेंशन नहीं लेनी कल जब हमारा मैच था कश्यप रो रही थी मैं कश्यप को गाड़ी में बैठ के बोल रही थी कि कश्यप तू खेल तुम लोग जीत जाओ पतली हो गई तो फिर क्या बोलोगी फिर भी गुप्पो ही बोलोगे मेरी तो गुप्पो ही गाइस हम लोग को सपोर्ट करें हमारे लिए दुआ करें लेकिन जब तक वो लोग अपलोड होगा फिर दुआओं का क्या फायदा अच्छा फाइनल्स के लिए क्या हो गया ये कश्यप का व्लॉग है भाई कश्यप रो रही है कश्यप तुम दो व्लॉग में रो रही हो कौन से व्लॉग में ज्यादा अच्छी लग रही है किसी में भी नहीं लग रही रोना वाली अच्छी नहीं लगती है चाबा यार जीते हो तुम लोग अपनी मेहनत शी इज अ प्लेयर शी इज अ प्लेयर इसकी वजह से हम पहुंचे हैं शी इज अ प्लेयर आबा कश्यप अभी व्लॉग में क्या तुम्हें रोता भाई दिखाऊंगा क्या वेल प्लेड आमिर भाई उमेर भाई वेल प्लेड फिनाले में गए गाइस फिनाले में जाना कोई आसान बात नहीं है हम तो पहली बार हो गए हमें हरा के आ गए टिकटॉकर्स को हरा के गए फाइनल में चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस फाइनली हम लोग जीत गए आज का मैच मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब तेरे फनी सोचा कर ऐसे रोए जा रही है मैं बोल रही हूँ कैसे एक में होगा तसल्ली रख एक में होगा भाई सबर तो करो खुलने तो दो आखिरी डिब्बा बेचारा चीख के बोल रहा भाई मुझे तो खुलने दो रुको जरा सबर करो देर तक रखो रात्रि में जिसमें नहीं होता ना लालिश भाई वो तीसरे में खोल देते हैं लेकिन टिकटॉकर्स भी बहुत अच्छा खेले नो डाउट उनके नसीब में नहीं था गेम चेंजर वो लोग खेल रहे थे ये लोग भी खेल रहे थे हालांकि पहला उन्होंने मंगवाया था लेकिन फिर भी अब क्या कह सकते हैं नसीब नसीब की बात है अल्लाह मेरे मुंह से निकल गया मेरी बात टूट गई नहीं लोगों को नहीं पता मतलब हुसैन का बहुत बेहतरीन दिमाग है गेम चेंजर में उसने अपने लिए डब्बा कोई मंगाया ही नहीं तो वहाँ चूक गए थोड़ा पर जो यूं हुआ ना बराबर और इनका कमबैक दोनों दिन बहुत आला था सो लेट्स सी मे द बेस्ट टीम विन टुमारो एंड इंशाल्लाह हम भी प्रयास देंगे उनके प्रति स्ट्रांग भी आज हाँ अच्छा हमारे को भी हार्ट टफ टाइम बहुत खतरनाक सच्ची है बड़ी बाकी देख अल्लाह पाको जो बंदा है सही कोई औकात ही नहीं मैं इन लोगों को ये बोल रही मैंने इनको यही बोल रहा था आमिर माइंड बना रहा था ताकि बंदा रिलैक्स हो जाए पहले मैं बोल आश्रय में बैठे भी बंदे को गिल दुखा ना मैं हार गए खत्म मेहनत करी कोई बंदा ये नहीं बोलता आपने मेहनत नहीं करी कहाँ से कमबैक मारा यार फूल लेकर आए
ये मैंने दिए हमारी टीम भी स्ट्रॉन्ग है, मगर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये नहीं है भाई उस वक्त गेम में, आमिर को मैं बार बार आके समझाता हूँ एक चीज, जो आमिर में खामी है और वो आपको बताया और अपनी सारी घर की आईडी से कमेंट करें, जितनी फेक आईडी बनाई होती है ना लड़कों ने लड़कियां फंसाने के लिए, उन सब आईडी से। जब दो खूबसूरत लोग हो ना तो तीसरा नहीं आते। ये कच्चा कच्चा मैं ना लाइक कमेंट शेयर करते हैं कि मैं ना बोलेंगे। बाय गाइस।